पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। जल्दी लाइट दे, 33 KV लाइन को यहाँ कनेक्शन करना है। और हम लोग अभी असम से ले रहे लाइट, ऐसे नियम में डीम होके रहता है, लाइट ही नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग को जल्दी लाइट चाहिए। लाइट नहीं होने का वजह से कोई यहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ भी काम नहीं कर पा रहा है, फिर बच्चा लोग भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए जैसे भी लाइट चाहिए, लाइट को जल्दी कर देना है। अगर हम लोग का मांग नहीं पूरी करने से हम लोग और दूसरा स्टेप उठाएगा, इंडिफिनिट स्ट्राइक भी करेगा। थैंक यू सभी को, इधर जो जितना आया है सभी को वेलकम है। इधर हम लोग का आज का पीसफुल धरना में ना, तो हम लोग आज इस विषय में हम लोग धरना दे रहे हैं कि हम लोग को 33 KV लाइन ये आपका बसर टू लिकावली को हम लोग डिमांड करने के लिए हम लोग आज जो ये किया है धरना रखा है ना, तो हम आज सभी दुकानदारों को भी और जितना इधर हम लोग का ये लिकावलियन और जितना इसमें हम लोग का जितना औरत लोग हम लोग का माँ लोग आया है, ये सभी जो इधर का लिकावली का सेटलमेंट है बोल के बात नहीं है ना, जो इधर इतना जितना इधर आया है सभी ने सर्विस होल्डर लोग भी है और जो बिजनेस में भी है और इधर का परमानेंट लोग भी है, तो जो लाइट जो है हर कोई इंडिविजुअल का जरूरत चीज है। आपका दुकान बोलो, बिजनेस में आप लोग का लाइट के बिना कुछ भी नहीं चलता है, और हम लोग का ये बच्चा का पढ़ने के लिए हम लोग का कुछ भी ये नहीं होता है लाइट नहीं होने से, इसके लिए आज हम लोग सब आया है। तो आज जितना हम लोग आया है हम लोग आज पीसफुल धरना के लिए आया है, आज पीसफुल धरना के लिए आया है, तो हम लोग को विश्वास है कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट ये एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोग को इसको गवर्नमेंट तक ले जाएगा, हम लोग डिप्टी कमिश्नर को इसके लिए हम लोग इसमें पीसफुल धरना हम लोग आके दिखा रहा है कि आप गवर्नमेंट को हम लोग का ये हम लोग का दिल का दुख दर्द को हम लोग का तकलीफ को आप गवर्नमेंट को ये पेश कर देने के लिए हम लोग आया है ना। तो ये जितना इसमें दुकानदार लोग भी आया है हम लोग का हर कोई का तकलीफ इतना ही है कि इवन हम लोग गेटवे में है, गेटवे है तो जितना उधर से असम होके और इतना दूर दूर होके हम लोग का लिकावली में आता है, जितना ये पैसेंजर होता है बस से हो जो अपना प्राइवेट गाड़ी में हो आके हम लोग का इधर, तो कम से कम हर कोई आदमी जो हर कोई ये पैसेंजर या हर कोई स्ट्रेंजर हम लोग को होप होता है कि हम लोग का दुकान में जाके कम से कम एक ठंडा पानी भी बोतल खरीदने मिलेगा सोचता है, और एक ठंडा सा ये आपका कोल्ड ड्रिंक्स पीने दिल होता है। लेकिन आप लोग का मार्केट में जब आके बाहर से टूरिस्ट आने से भी जहाँ बाहर से जो मेहमान आता है तो इधर से रास्ता से गुजर के जाने से भी आप लोग का दुकान से भी एक ठंडा एक बोतल भी नहीं मिलता है, क्योंकि लाइट ठीक नहीं है ना, तो इतना लो वोल्टेज में आप लोग का कुछ नहीं चलता है, और ये तो आप लोग का बिजनेस में रुकावट है। और हम लोग का पब्लिक के लिए भी, इवन हम लोग बच्चा के लिए जो ईटानगर में है जो पासीघाट ये आपका आलो में है, लाइट तो हर जगह कंटिन्यूस नहीं आता है, वो लोग का भी लाइट कंटिन्यूस नहीं होता है, लेकिन दूसरा का लाइट आने से भी जितना लाइट आता है वोल्टेज फुल वोल्टेज होके आता है, तो फुल वोल्टेज होके आने से आपका फ्रिज ठंडा होके रहता है, तो एक दो घंटा में उसको ये आपका लोड ले ही लेता है कि वो सामान जो ठंडा में रहता है ना, तो इसके लिए दूसरा जगह का आया है। और लिकावली का सीरियो लोग आया है, बहुत अच्छा बात है। ये जो आज आप हम लोग कर रहे हैं ये हिंदुस्तान का हम लोग का डेमोक्रेटिक राइट है, जो पब्लिक जो ग्रीवाइजेस को हम लोग प्रत्येक इस टाइप का धरना और हंगार स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन हम लोग वायलेंस में नहीं जाना है, यही सिर्फ एक ही है। और ये लाइट का बारे में जो हमारा आज का जो कन्वेनर है यहाँ करते हैं मुझे जो बता दिया वो तो आप लोग सुन ही लिया, हमको भी इतना दूर तो मालूम नहीं है लाइट का बारे में, फिर भी हम ये बोलना चाहते हैं, पर ये 70 दशक में हिंदुस्तान का डिमांड क्या था, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, वो 70 दशक में हुआ था देश का तरक्की के लिए। लेकिन आज जो है 25th century है, हमारा हिंदुस्तान का मेड इन इंडिया जो रॉकेट है चांद तक पहुंच गया, मंगल ग्रह तक पहुंच गया, इसलिए हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है हर घर में पानी बिजली और सड़क। जो आज का जो हमारा पब्लिक सिर्फ लिकावली का नहीं है, सारा हिंदुस्तान का पब्लिक का डिमांड है, और रोटी कपड़ा मकान तो चला गया, अभी सड़क बिजली और पानी ये जरूरी है। आज जैसे
हर घर में जानदा, हर घर में जानदा जो प्रोग्राम बना रहा है, इसी तरीका से हमारे प्रधानमंत्री का विजन है हर घर में पानी, हर घर में बिजली और हर ये अच्छा सड़क मिल रहा है। यही है हम लोग का आज बीजेपी सरकार का मूल मंत्र, और इसी विजन को लेकर अभी हिंदुस्तान तो बहुत आगे भी निकल रहा है, फिर भी हमारा जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में खास करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में हम लोग को बहुत तकलीफ मिल रहा है। हम लोग सोचा था ये कोरोना का दिन में या दो साल में हम लोग सोचा था वो कोरोना का वजह से ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अभी भगवान का दया से कोरोना भी तो आस्ते धीरे चला गया समाज से, देश से, सोसाइटी से, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट होना है सड़क का भी होना है, अभी ये लिकावली से लेकर आलों का जो रास्ता है वो भी काफ़ी खराब है, उसके लिए भी हम लोग उस दिन भी आलोंग बाजार में भी ये धरना दे रहा है, और बिजली जो है लिकावली बाजार से लिकावली आ रहा है हम सुनने में आया है, वो दो तीन साल हो गए, इसका सेंक्शन भी हुआ है, रास्ता भी काम भी आधा बना कर रखा है, ये सब जल्दी कम्प्लीट करना है, हमारा मांग यही है। लो वोल्टेज है, मतलब जीरो वोल्टेज है, मैंने हम लोग को ना फ्रिज चलता है, ना टीवी चलता है, ना बल्ब चलता है, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए आज हम लोग आज से दो तीन दिन पहले हम लोग डीसी साहब को मिला है, अल्टीमेट मेमोरेंडम सबमिट किया है, जल्दी से जल्दी हम लोग का ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो बोला, तो हम इसका विषय में हम लोग को कुछ चीज़ बताएगा। आज से 7-8 साल पहले हम लोग का इधर नेपको कनेक्ट हो गया था, नेपको मतलब आप लोग समझो, नेपको बोल के नहीं है, 132 KV लाइन, वो ग्रिड लाइन होता है, वो ग्रिड लाइन जो एंटायर इंडिया में जाता है, जैसे हाईवे होता है ना नेशनल हाईवे, उसी प्रकार ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन जो एंटायर इंडिया में घूमता है, वो एक इलेक्ट्रिक का हाईवे है, ग्रिड लाइन जो 132 KW का वो ग्रिड लाइन है, तो वो ग्रिड लाइन जो नेपको से बर्फ पानी से जीरो से होते हुए एलोंग होते हुए पाकिस्तान होते हुए सीतामढ़ी ये सब आता है, तो इसमें क्या है ये ग्रिड लाइन जब लिकावाली बासार लिकावाली जितना भी एरिया से हम लोग का असली में लिकावाली का ग्रिड लाइन जो बासार से आना है, तो आज से 2014-15 से पहले हम लोग का ग्रिड लाइन आता था नेपको, तो उस समय वोल्टेज बहुत ज़्यादा था, बाल भी फट जाता था, इतना स्ट्रॉन्ग वोल्टेज था, तो लेकिन बीच में हाईवे कटिंग का वजह से ग्रिड लाइन में कॉम्पेंसेशन वो सब बनाया है, तो बनाने का वजह से पोल शिफ्टिंग के लिए डिपार्टमेंट ने पैसा एक्सटेंशन किया है, तो डिपार्टमेंट पैसा एक्सटेंशन करने के बाद तो ग्रिड लाइन जब तोड़ दिया है लाइट को, दोबारा वो बनेगा बोल के पहले वाला पोल को शिफ्टिंग कर दिया, तो उस बीच में एक बार तो चार्जिंग भी हुआ था ग्रिड ये नेपको लाइन जो, तो उधर से 132 जो 33 KV बन के लिकावाली में आता है बासर से, तो वो आया भी था, तो लाइट चल रहा था, तो बीच में फंड भी खत्म हो गया, हम किसी को नहीं बोलेगा कोई ऑफिसर को, लेकिन मिसमैनेजमेंट हो गया फंड ना, तो फंड मिसमैनेजमेंट हो गया, कोई ऑफिसर सस्पेंड भी हो गया, बहुत सारा केस हुआ, और हम ये बोल रहे हैं SIC में भी केस है, अरुणाचल का SIC को भी हम डाउट है, मतलब ना ये चल रहा है, लाइट भी नहीं है लिकावाली में, फिर भी SIC ऑफिसर ऐसे ही घूम रहे हैं, नाम का SIC है अरुणाचल में भी ऐसे लगता है, क्योंकि बहुत सारा घोटाला है, RTI मारो SIC में जाओ काम खत्म हो जाता है, अभी तो ऑफिसर का रिवोक भी होके आराम से सर्विस कर रहा है, लिकावाली अभी तक तो लाइट नहीं मिल रहा है, तो ये बात हम लोग जान लेना है कि लिकावाली का 33 KV लाइन जो है, जो ग्रिड लाइन जो है लिकावाली में नहीं आता है, लिकावाली हम लोग आसाम से लेते हैं, वो भी आसाम से लेने का हम लोग को बहुत कम वोल्टेज मिलता है, 11 KV मिलता है, जबकि 132 KW जो धेमाजी से आगे लखीमपुर में खत्म हो जाता है, तो उधर से धेमाजी और आपका सिलावतार के लिए 11 KV खींचता है, तो वो 11 KV हम लोग को लिकावाली को भी देता है ना, तो उसमें हम लोग को